This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HMSA Concerns, Builders and Developers, Fidus Caterers, and by ASK Tours and Travels. नहीं ये करेंगे सर, यहीं पे रोड पे सो जाएंगे, गाड़ी चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए सर, या तो गाड़ी चढ़ा दीजिए या तो फिर ट्रेन के पटरी में चढ़ सो जाएंगे सर। सर रूम छोड़, अल्टीमेटली हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग वही करेंगे सर। बोलिए सर, हम लोग ओडिशा से हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों से मतलब लॉकडाउन के चलते हुए हम लोग को जाने का था, ठीक है, बट कोई जरिया नहीं मिल रहा था, तो अभी हम लोग को किसी के थ्रू से जरिया मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 35 लोग टोटल लोग एक बस में 52 सीटर के बस में हम लोग को जाना है, ठीक है। लेकिन जब बस मतलब बस में जाने से पहले वो परमिशन वगैरह सब लेने का होता है, ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए जो इंसान था वो इंसान ने हमको बोला कि टोटल हमको परमिशन दिलाने के लिए तकरीबन 15,000 रुपये खर्चा लगेगा, ठीक है। ये पैसे के तौर पे सर, ये बशीर जो है, बशीर और आमिर, उन्होंने हमको बोला कि 15,000 रुपये उनको लगेगा। अभी 15,000 रुपये सर उनको लग, हम तो सर डायरेक्टली जब उनसे पूछे कि 15,000 रुपये किस लिए लगेगा, तो बोलते हैं 15,000 रुपये खर्चा पानी लगता है। 15,000 खर्चा पानी किसका है सर, वो डायरेक्टली हमको कभी बोले नहीं, ना ही हम लोग डायरेक्टली उनको कभी बोल पूछ पाए। तो यानी 15,000 रुपये पास के लिए कहा? हाँ, 15,000 रुपये पास के लिए बोला सर, क्योंकि बस का सर उन्होंने कुछ एडवांस के लिए बोला नहीं था। और उनको हम लोगों ने पास में, आप देखिएगा तो हमारे पास में ये मेंशन किया गया है कि एक आदमी का नाम लिखा है, उसके साथ अलोंग विद दैट 36 अदर्स लिखा हुआ है, मतलब 37 लोग हम टोटल लोग जाने का है। अब 37 लोग जाने का है सर, जब यहाँ पे आने, जब हम लोग को टाइमिंग दे दिया कि ये टाइम पे आके आप पहुँच जाओ सोयल होटल के बगल में, मलकपेट में सोयल होटल पे आके पहुँच जाओ, और जैसे ही हम लोग को बोला कि वहाँ पे रुकने का मतलब वहाँ पे रुकिएगा, 8 बजे तक बस आएगी। जब बस आई सर, वो 25 सीटर वाली बस थी, 25 सीटर वाली जो स्कूल बस होती है सर, वही बस मिला हम लोग को देखने को मिला। अब सर हम लोग टोटल हैं 35 लोग में सर 25 सीटर अगर हम लोग को अगर बस मिलेगा तो सर कैसे होगा? अब सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को देखना भी है सर, नहीं तो सर हम लोग को बीच में सर ना हम लोग कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर भी नहीं पाएंगे अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग को हाथ में रखते हुए हम लोगों ने उसी हिसाब से 52 सीटर के हिसाब से हम लोगों ने 35 आदमी अपने आप को एकजुट किया कि कम से कम नहीं तो मैक्सिमाइज अगर हम लोग करेंगे तो 40 मेंबर्स हम लोग जा सकें। तो क्या है ना, अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग जा सकते हैं। एंड दो हम लोग का ट्रेन चालू हुआ नहीं है अभी तक, तो सब लोग अपना रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ईद आगे चल के ईद आ रही है सर, कारोबार यहाँ पे कुछ है नहीं, धंधा पानी है नहीं सर, पैसा वैसा किसी के पास है नहीं, घर में खाने पीने के लिए भी नहीं है सर, तो सबको घर जाने को, लोग कैसे कैसे सर करके अपने घर से पैसा मंगाएं, कोई अपने घर से उधारी लेके आया है सर, कोई किसी चीज़ गिरवी रख के सर पैसा मंगाया है सर, कोई उसका हिसाब नहीं है सर, तो सब परेशानी से सब अपने आप से परेशानी होके लेके आ रहे हैं सर। तो पैसा ला के सर जैसे दे रहे हैं अभी सर, हम लोग को 35 सीटर के 25 सीटर के बस में अगर हम लोग को खड़ा कर देंगे सर, तो हम लोग सर उसमें तो धक्के, अब तो कुत्ते बिल्ली तो है नहीं सर कि उसमें घुस जाएं और धक्के दे के सर हम लोग चले जाएं, हम इंसान ही हैं सर। पुलिस वाले क्या बोले हैं? सर पुलिस वाले हम लोग को बोले हैं कि वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सर देखिए वो अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पे आप देख सकते हैं तो वो अभी तक अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, वो उसको जिसने हम लोगों के साथ बातचीत किया उसको अभी यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। अब सर देखिए वो आता है कि क्या होता है सर, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली हमको बोला हुआ है कि वो हमको किसी भी हालत में आज भिजवाएंगे यहाँ से। सर अभी ऑलरेडी हम लोग को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चीज़ है कि हमको सर किसी भी हालत में भिजवाइए, क्योंकि सर ना हम लोग के पास रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है, ना सर जेब में पैसा है सर, जो भी पैसा था सर ऑलरेडी हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए दे के रखे हैं कि हमको घर पहुँचना है। तो अभी सर जो भी कल घर जाके भी पहुँचने और तक के लिए भी सर सबके पास, किसी के पास बिस्किट है तो किसी के पास पानी है सर, खाने के लिए किसी के पास एक दाना तक नहीं है सर। आप जिसको 15,000 रुपये दिए बोल रहे हैं, उन्हें उनसे आप बात करना था, क्या बोले सर? जब उनसे बात हुआ था तो वो सर कुछ ज़्यादा ही अकड़ में सर हम लोगों से बात कर रहे थे, तो अकड़ में बात कर रहे थे, तो हमको बोले अभी परमिशन के लिए तुम लोगों ने दिया है ना, तो परमिशन के लिए अभी हमको कल जाके कमिश्नर ऑफिस में जाके चेंज कराना पड़ेगा। तो जैसे एक मिस्टर रिपोर्टर एक आए सर, आपका नाम अब्दुल खालिद सर, वो आए तो उन्होंने बोला, उनसे बात किया, उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि एरिया पीएस में जाके हम लोग नाम चेंज करा सकते हैं। खालिद साहब ने बोला कि एरिया पीएस में जाके नाम चेंज करा सकते हैं, तभी उन्होंने बोला कि हमको आना है बोल के, हाँ ठीक है हम आ रहे हैं बोल के। सर तब से लेके अभी 1 घंटा हो गया, वो उनका आने का कोई नामो निशान है नहीं। आप कंप्लेन देते या घर को वापस जाते? नहीं सर, हम कंप्लेन देंगे सर, हमारे पास कुछ है नहीं अल्टीमेटम, अगर आप नहीं ये करेंगे सर यहीं पे रोड पे सो जाएंगे, गाड़ी चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए सर, या तो गाड़ी चढ़ा दीजिए या तो फिर ट्रेन के पटरी में सो जाएंगे सर। सर रूम छोड़ दिए, खाना के लिए सब छोड़ दिए, सेट सबको कोई सेट को बोल के आगे सर और नौकरी नहीं करेंगे, जो नौकरी नहीं करेगा तो वो उनको रखने तो रखेगा तो है नहीं ना,
तो वो डेफिनेटली वो बोल तो देंगे कि भाई काम को ठीक है भाई तुम जाओ, अब कहाँ वो अपनी जिम्मेदारी खुद देखेगा। थोड़ी फैमिली भी आपके साथ? सर लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सर आप खुद देख सकते हैं लेडीज़ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग खाना पीना उनको मतलब बच्चे को दूध तक नहीं पिला पा रहे हैं सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अल्टीमेटली सर हम लोग का एक ही डिमांड है, या तो फिर हम लोग को भिजवाइए, या तो सर हम लोग रोड पे सो जाएंगे, या तो फिर गाड़ी चढ़ाना है चढ़ा दो, या तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग वही करेंगे सर। This video is brought to you by Shahin Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels.